Okay, so now we'll discuss about another option available, that is mirror command. ठीक है, when we use mirror command तो आपको ये जो object है आपको इसकी mirror shape आपको मिल जाती है. अब इसको use किस तरह करते हैं? First of all, let's say आपके पास ये object है, आप mirror command अपने modify panel से select करते हैं, then you select your object, press एंटर. ठीक है, नाउ यू कैन सी वो आपको कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन. लेट से हमने यहाँ एंटर किया, सेकेंड पॉइंट आप कहीं पे भी लेट से यहाँ एंटर कर लिया. ठीक है, नाउ वो आपको ऑप्शन दे रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट और नॉट. ठीक है, ये आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है, आप इसको इरेज करना चाहते हैं या नहीं. मैं नहीं करना चाहता, मैंने नो कर दिया. ठीक है, नाउ यू कैन सी कि आपके इस ऑब्जेक्ट की एक मिरर इमेज आपको यहाँ पर शो हो रही है. ठीक है, जो कि इन्वर्टेड शेप है. लेट से अगर आपको ये दोनों अबव या बॉटम पे चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अगेन आप मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे, यू सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट्स, एंटर, एंड देन अगेन यू स्पेसिफाई द मिरर लाइन. लेट से हमने ये आपकी मिरर लाइन स्पेसिफाई कर दी. अब वो आपसे अगेन ऑप्शन देता है कि आप जो अपना सोर्स है उसको इरेज करना चाहते हैं, नहीं मैं अगेन नो करता हूँ. तो नाउ यू कैन सी कि आपकी एक शेप, ये जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट था उससे आपके पास मिरर शेप के थ्रू आपके पास एक ये अब एक कंप्लीट शेप बन गई है. ठीक है, जो कि आप अगर अब आप इस सारी शेप को सेलेक्ट करके मिरर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दिस. मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, प्रेस एंटर. ठीक है, अगेन सेलेक्ट द मिररिंग लाइन हेयर. अब आपको वो कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ. नाउ आपका जो मिरर है वो मिरर आपको यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, लेट्स से इन सबको डिलीट करते हैं. ये तो आपका ऑब्जेक्ट का जो मिरर था वो आपने देख लिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जो कोई टेक्स्ट है अगर उसको मिरर करना हो. टेक्स्ट लिखते कैसे हैं? यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, सॉरी और तो ऑफ कर दें. टेक्स्ट में गए, सिंगल लाइन फर्स्ट पॉइंट. अब आप स्पेसिफाई हाइट करें अपने टेक्स्ट की. लेट से मैं 2 रख लेता हूँ. ठीक है, 2 हाइट एंटर की और रैंडम एंगल जो आपकी लाइन का है वो सेलेक्ट कर लें, 0 सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब आप अपना यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखें. लेट से हम एंटर करते हैं ऑटो कैड. ठीक है, अब मिरर ऑब्जेक्ट कमांड हम यूज़ करके इसको मिरर करके देखते हैं. ठीक है, आपने सेलेक्ट किया, एंटर किया और ये आपने लाइन सेलेक्ट की. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो अब आपका मिरर हुआ है ये मिरर बेसिकली नहीं हुआ. ये जो आपकी जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ये लेटरली इन्वर्टेड नहीं है. ठीक है, ये उसने कॉपी कमांड ही यूज़ कर ली है. ठीक है, कॉपी ही उसने किया है. तो इसको हम इन्वर्टेड शेप के लिए या मिरर के लिए क्या करते हैं, हम मिर टेक्स्ट का जो वेरिएबल है उसको 1 रखते हैं. मिर टेक्स्ट इसका जो वैल्यू है इसको हम 1 एंटर कर लेते हैं. ठीक है, अब उसके बाद अगेन आप सेलेक्ट करें मिरर, इसको सेलेक्ट करें, एंटर करें और पॉइंट्स एंटर करें. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो आपकी जो शेप है वो आपकी एक इन्वर्टेड शेप है. ठीक है, अब प्रॉपर ये मिरर हो गया. ठीक है, सो नाउ वी विल यूज़ द ऑप्शन ऑफ स्केल. फॉर स्केल लेट्स फर्स्ट ड्रॉ ज्योमेट्री. लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टेंगल. सिंपली ऐड द डायमेंशंस. लेट्स से वी एंटर द लेंथ 20 एंड वेट 25. ओके, सो वी हैव दिस इमेज. ओके,
this image. Now let's draw further rectangle in it. Let's say you can draw any geometry. Okay, this is for your example. Simply aap ek object draw kare. Yahan pe aap ek aur rectangle draw kare. Let's say अपने ऑब्जेक्ट की शेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. इसी पे हम अब अपना एग्जांपल लेते हैं. टू यूज़ द स्केल कमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केल कमांड सेलेक्ट करें. अब आपका ये देख रहे होंगे आप, ये आपका एक वन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. या तो आपका एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आप उसको बना रहे हो थ्रू पॉली लाइन और सम अदर, तो आपका वो डायरेक्टली सारा सेलेक्ट हो जाएगा एज अ सिंगल एंटिटी. पर अभी हमने आपके सिलेक्शन सेट्स पढ़े थे, जिसमें अगर आपने ये पूरी शेप सेलेक्ट करनी हो तो आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. हम वही करते हैं, सारी शेप आपकी सेलेक्ट की, ठीक है. अब आपने अपना स्केल का सेलेक्ट की भी थी कमांड, एंटर किया. अब वो आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई योर बेस पॉइंट, ठीक है. ये हमने आपका जो बेस पॉइंट है ये इसका स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है. अब नीचे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप या स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, मतलब आप इसको कितना स्केल इंक्रीज़ करना चाहते हैं. अगर तो आप इसकी शेप को फर्दर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू एंटर द वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर दैन वन, ठीक है. जो आप स्केलिंग मैनुअल ड्राइंग में भी करते थे. अगर इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू एंटर वैल्यू दैट इज़ लेस दैन वन, या आप इसको अपने सीधा कर्सर से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है. लेट से मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 1.2, ठीक है. ये जो अब आपकी जो शेप है ये 1.2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है. मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगेन, स्केप कंट्रोल जी, दिस इज योर ओरिजिनल शेप. अब अगेन अगर हम इसको आप स्केल कमांड सेलेक्ट करें और इसे सेलेक्ट करें एंटर, ठीक है. स्पेसिफाई योर बेस पॉइंट, और अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है. लेट से वी एंटर वैल्यू 0.5, ठीक है. तो अब ये आपकी जो ड्राइंग है 0.5 के फैक्टर पे कम हो गई है. कंट्रोल जी करते हैं अगेन. अच्छा, अब आपने इसको स्केल अप और स्केल डाउन करना तो देख लिया, ठीक है. अब हमें अगर इसकी कॉपी चाहिए हो इस ऑब्जेक्ट की, तो वो हम किस तरह करते हैं वो भी अभी देख लेते हैं. लेट्स से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट. अब ये आपके पास कॉपी की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है. अब आप अपना स्केल डिफाइन कर दें जिसमें आपने इसको रिड्यूस या आप करना है. लेट्स से मैं 0.5 रिड्यूस करता हूँ. ये अब आपके पास एक कॉपी इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट की, ये आपके पास यहाँ शो हो रही है, ठीक है. अगर आपने को उसकी कॉपी चाहिए थी तो आपको वो अवेलेबल है, और आप इसको कहीं मूव कराना चाहें तो यू कैन सिंपली मूव इट. बट आप सिंपली इसको मूव तब कर सकेंगे जब एक ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है. उसको मूव कर देते हैं और सिंपली टाइप ई और इरेजर.